दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रॉयल एसी सर्विसेज में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये दो वोल्टास के स्प्लिट यूनिट लगे हैं, यानी कि ये एक हाई वाल यूनिट है और ये VRV से कनेक्ट है। आपने देखा कि पीछे दो यूनिट लगे हुए हैं और आगे ये दो यूनिट लगे हैं, यानी कि चार इंडोर स्प्लिट यानी कि हाई वाल लगे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक यूनिट ये लगा हुआ है, एक यूनिट इस रूम में लगा है। मैं ये आपको एक एक करके सारे यूनिट्स दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, एक यूनिट ये लगा है और आगे भी इसमें यूनिट लगे हैं। टोटल इसमें 11 यूनिट लगे हैं जो कि इंडोर हैं। इसके अलावा आउटडोर यूनिट इसका बाहर लगा है, मैं आपको आउटडोर यूनिट भी इसका भी दिखाता हूँ। ये आप देखिए, फ्लैट के अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो आज हम इन इंडोर यूनिट को सबको अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद मैं आपको, चलिए अब आउटडोर पर दिखाता हूँ। आउटडोर पर चलते हैं, आउटडोर पर दिखाता हूँ कि ये देखिए, एक यूनिट ये लगा है, एक यूनिट ये यहाँ पर लगा है, टोटल 11 यूनिट हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसका आउटडोर लगा है जो कि बहुत बड़ा आउटडोर है। ये पूरा VRV है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वोल्टास का VRV लगा हुआ है। आज हम इसको पंप डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों आगे आगे दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कैसे हम क्या क्या करते हैं इसमें, सब चीज़ें आपको एक एक करके दिखाऊंगा। और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये आप देखिए, एक बार फिर से दो यूनिट ये लगे हैं यहाँ पर। चलिए अब आउटडोर पर चलते हैं। हमारे सीनियर टेक्नीशियन मिस्टर सिद्दीकी, अब हम आउटडोर पर चलेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे इस मशीन को हम पंप डाउन। देखिए दोस्तों, अब हम बाहर आ चुके हैं। ये आउटडोर लगे हैं यहाँ पर, ये दूसरे फ्लाइट का है और ये जो हमने अनइंस्टॉल करना है वो ये है। तो आपको मैं आप करीब से चल के दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे अनइंस्टॉल करेंगे। देखिए, आपने देखा है कि हमने, ये इसका फैन है, हमने इसका पूरा पैनल खोल के ये रखा हुआ है यहाँ पर। और ये इसका कनेक्शन बॉक्स का पैनल है, ये पूरा इसका डायग्राम है। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये आप नीचे देखिए, ये इसका डिस्चार्ज का पाइप है और ये इसका सक्शन का पाइप है। यानी कि जब हम इस मशीन को पंप डाउन करेंगे तो हम सबसे पहले ये बंद करेंगे और इसके बाद फिर हम, जब ये कुछ पंप डाउन हो जाएगा तो हम ये वाला लॉक बंद कर देंगे इसका, जो कि ये वॉल्व वॉल है। चलिए दोस्तों, अब इसको बंद करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने ये इसका जो डिस्चार्ज का वॉल्व था वो बंद कर दिया है और अब हम इसका कुछ मिनट के बाद ये वॉल्व बंद कर देंगे, जो कि वॉल्व वॉल लगा है इसमें। आपको ये यूनिट ज़रा थोड़ा पैक है, हमने ज़्यादा खोला नहीं इसके अंदर का, वरना मैं आपको और भी कुछ दिखाता। तो दोस्तों, कभी भी कोई VRV AC अनइंस्टॉल करना हो तो वो इसी तरह से होता है, सेम प्रोसेस है। जैसे हम कोई छोटी मशीन अनइंस्टॉल करते हैं, इसी तरह से ये पंप डाउन होती है।